तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉसेस लॉ. ओके, तो इसमें क्या है कि पांच छह पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 34-35 पे दे रखा है. उसको आप ये वाला जब मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा फिर आप उसको जाके समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब तक गॉस लॉ का एप्लीकेशन आपको आगे चल के पढ़ना है तो इसके लिए आपको गॉस लॉ का जो भी उसके एजम्पशंस है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशंस है, वो सारा आपको क्लियरली पता होना चाहिए, तभी आप गॉस लॉ को अप्लाई कर पाएंगे. क्योंकि अगला टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आता है, जिसमें आपको तीन एप्लीकेशन हैं अपनी बुक में, तो उसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तीन अलग अलग सिचुएशंस में. तो उसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको समझना जरूरी है. ठीक है, तो ये गॉस लॉ सबसे पहला पॉइंट ये क्या बोलता है, इट इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर वेदर इट्स शेप और साइज. ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये गॉस लॉ ने आपको पहले ही कह दिया था कि इसका दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज. तो जैसे सपोज एक यहाँ पर चार्ज इतना है, तो सरफेस ऐसा हो कैसा भी सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, तो अगर ये सरफेस है इसको छोड़ दें ये भी चार्ज इनक्लोज क्यों कर रहा है, ये सरफेस है अगर ये भी चार्ज इनक्लोज, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि कोई भी सरफेस क्लोज्ड हो तो कैसा भी शेप हो साइज हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो गॉस लॉ वहां पर एप्लीकेबल होगा और फॉर्मूला सबके लिए फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड ही आएगा. एग्री? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एज जो इसमें एनसीईआरटी ने लिखा है द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉसेस लॉ. ठीक है, तो दैट इज क्यू, ये जो होता है दिस क्यू इज इक्वल टू, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी देखे थे, सम मतलब कि एक सरफेस लिया था तो उसमें जो चार्ज इंक्लूड होता था सम ऑफ ऑल चार्जेस होते थे. ठीक है, सो इट इंक्लूड सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लूड बाय द सरफेस और चार्जेस मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस. तो चार्ज जो है सरफेस के अंदर ही होगा जहां भी होगा. ठीक है, सरफेस से बाहर वाले चार्ज को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे. सो नो चार्ज आउटसाइड द सरफेस विल बी इंक्लूडेड. ठीक है, तो हमेशा क्या बोलते हैं, ऑलवेज चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस. ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए सरफेस के द्वारा अगर नेट चार्ज जीरो है, इनक्लोज चार्ज जीरो है, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा. जैसे हमने डायपोल के केस में भी देखा था कि जो नेट चार्ज है वो क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाता है, तो इसलिए फ्लक्स भी जीरो के बराबर होगा. क्लियर है? ओके, थर्ड पॉइंट कहता है, जब थर्ड पॉइंट से पहले आपको जो है ना फोर्थ पॉइंट समझ लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा आसानी होगी इसको समझने में. फोर्थ पॉइंट कहता है कि द सरफेस चोजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. ठीक है, मतलब आप कभी भी कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है. ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या, जैसे अभी हमने देखा था ना कि कोई भी अगर चार्ज रखा हुआ है तो इसके लिए कोई भी सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो सरफेस कौन सा, दैट सरफेस चोजन इज कौन सा, गॉसियन सरफेस. ठीक है, गॉसियन सरफेस हम लोग चूज करते हैं. ठीक है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है. जैसे चार्ज क्यू रखा हुआ है, इस चार्ज क्यू के पास, क्यू के आसपास हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर लेते हैं. तो ये एक सरफेस कैसा होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है. ठीक है, और ये जो सरफेस है इस तरह से चूज करते हैं कि इस सरफेस पे जहां जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट्स पर, ठीक है, हर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा. समझ गए ना, तो गॉसियन सरफेस इस तरह से हम लोगों को चूज करना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस बिकम्स सेम. ठीक है, सो दिस इज गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस इज सेम. वो भी लिख दिया, ये ध्यान में रखना है कि ये, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है ये हमेशा बात करता है कंटीन्यूअस चार्जेस के बारे में, इसलिए हम लोग शुरू में कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, इसलिए ध्यान रहे कोई ये जो गॉसियन सरफेस है वो डिस्क्रीट चार्ज के थ्रू
पास ना करे, ठीक है, इट शुड नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्जेस, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्टिन्यूस चार्जेस, क्लियर है, मीन्स कॉन्टिन्यूस बॉडी होगा उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहीं पे हम लोग गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो फोर्थ पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या कहता है कि जब हम लोग गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो हमेशा ये भी ध्यान में रखना है कि फिफ्थ पॉइंट भी पहले ही आ जाएगा थोड़ा सा, कि यूजफुल ये जो है इजियर कैलकुलेशन के लिए होता है, क्योंकि आपने देखा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो यानी कि इजियर कैलकुलेशन के लिए होता है। गॉसियन लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स मच इजियर कैलकुलेशन व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, लेकिन अगर किसी भी सिस्टम में सिमेट्री हो, जैसे क्यूब हो, ठीक है, स्फेयर हो, इस सिलेंडर हो, इन सब में क्या होता है, सिमेट्री होती है, तो सिमेट्री जहां होगी वहां पर हम लोग जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन से, ठीक है, सो इट इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स मच इजियर कैलकुलेशन व्हेन सिस्टम इज सिमेट्री, सिमेट्रिकल सिस्टम में बहुत ही आसान तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए सपोज एक प्लेन शीट की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, सपोज एक अगर प्लेन शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस प्लेन शीट में अगर हम लोग को गॉसियन लॉ को फाइंड करना हो, ठीक है, मतलब इस प्लेन शीट में अगर आपको क्या बोलते हैं फ्लक्स फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो प्लेन शीट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस लेंगे जो कैसा होगा, इस सिलेंड्रिकल शेप का होगा, मीन्स ये प्लेन शीट है तो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। तो अब इस कंडीशन में देखिए कुछ ऐसा पोर्शन है जो इस शीट को इंक्लूड कर रहा है और कुछ ऐसा पोर्शन है जो इस शीट को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये है, अगर हमने सिलेंड्रिकल वो लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल ये शेप हो गया सिलेंड्रिकल शेप, तो यहां से जब ये इधर की तरफ ऐसे जाएगा तो इस सिलेंड्रिकल का कुछ ही पोर्शन होगा जो इसको कट कर रहा होगा, तो वो ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाया है, ठीक है, तो ध्यान में रहे जो चार्ज फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जो चार्ज होता है सिर्फ वही चार्ज को हम लोग लेंगे जो गॉसियन सरफेस इंक्लूड कर रहा है, सारा पोर्शन नहीं लेंगे, ठीक है, ये पूरे सरफेस का हम लोग नहीं लेंगे, गॉसियन सरफेस का वो वाला पार्ट जो इस प्लेन शीट को क्रॉस कर रहा हो उतना सा, यानी कि कॉमन पॉइंट, उस पोर्शन में जितना चार्ज इंक्लूड कर रहा होगा उसी चार्ज की हम लोग वैल्यू गॉसियन सरफेस में फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए लेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस क्यू इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड चार्ज इज नॉट इंक्लूडेड, मींस ये पोर्शन जो है, देखिए गॉसियन सरफेस हम लोग फाइंड कर रहे थे, कुछ ऐसा पोर्शन है जो इनसाइड है, कुछ पोर्शन आउटसाइड, जैसे ये वाला पोर्शन क्या हो गया, आउटसाइड हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है उसको कट कर रहा है, तो सिर्फ जो कट कर रहा है पोर्शन वो जितना चार्ज इंक्लूड कर रहा है वही चार्ज हम लोग लेंगे गॉस लॉ में फ्लक्स फाइंड करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। लेकिन फ्लक्स के लिए तो सिर्फ ये चार्ज होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे होंगे तो देखिए जितने भी चार्जेस हैं आउटसाइड इनसाइड सब की वजह से होगा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर वाले पोर्शन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पोर्शन की वजह से, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। सो फोर्थ और फिफ्थ हो गया था। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस कंटेंड इन द कूलम्स लॉ, तो ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड होता है ये भी स्क्वायर, क्योंकि इस तरह से इसका बेसिक अभी हम लोग देखेंगे कि डिड्यूस करेंगे हम लोग कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियन लॉ, वहां पर ये समझ में आएगा सिक्स पॉइंट की ये कैसे इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस को फॉलो कर रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ओके, सो वी हैव टॉपिक डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है, तो गॉस लॉ को हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में भी पढ़े थे, तो एक हम लोग सपोज क्या करते हैं कूलम्स लॉ, यानी कि वही के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, वो फाइंड आउट करना है गॉस लॉ से। सपोज
किसी भी एक जगह पे पॉइंट पर प्लस Q1 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक प्लस Q चार्ज है, इसके लिए जब हम लोग सरफेस गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो स्फेरिकल सिमेट्री है ना, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस पे हम लोग सपोज एक पॉइंट, एक जो है सरफेस ले लेते हैं, सरफेस एरिया दिस इज ds, जो यहां से r डिस्टेंस पे है, यानी इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, r होगी। तो ये एरिया है और यहां पर चार्ज कितना है, Q2 चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, यही होगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन r कैप होगा, वो तो पता ही आपको, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ओके। तो इस पॉइंट P पर, P पॉइंट जहां पर Q2 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और यहां सेंटर पे मतलब प्लस Q, Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, Q1 और Q2 के बीच में कूलम्ब्स फोर्स लगेगा, द फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, सिंपली क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि कूलम्ब्स फोर्स हम लोगों को डिराइव ही करना है। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q2, ठीक है, ड्यू टू Q1, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 into E, समझ गए ना, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो Q2, ये Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज Q2 है, इस पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, सो दिस फोर्स इज इक्वल टू Q2 into E, ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्योंकि हम लोग को गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करना है, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हम लोग क्या जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल्स टू हाउ मच चार्ज enclosed by the Gaussian surface, this is charge enclosed कितना है, Q1 upon में epsilon naught, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर electric field direction ये है और यहाँ पर छोटा सा एक area element लिया है, तो area भी क्या होगा, electric field के ही direction में होगा, है ना, तो ds का भी direction कैसा होगा, इसी तरह से, ठीक है। इसलिए since electric field is parallel to area element, ठीक है, यानी थीटा जीरो और इन दोनों का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ई डी एस, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस, कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है, तो ये मैग्नीट्यूड्स हो गया, वेक्टर हटा गया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन इप्सिलन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे यूनिफॉर्म है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ किस पे होगा, ds पे, तो E into ds, ds का इंटीग्रेशन, यानी कि ये कैसा है आपका सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है, तो ds, 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 सारे ds, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर, दिस इज इक्वल टू q1 by epsilon naught, सो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया एलिमेंट, ठीक। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और epsilon नॉट भी आ जाएगा, ये नीचे आ गया, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो फ्रॉम हियर हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपको समझ में आई गया होगा किसको किसको इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जब यूज करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू टू इंटू ई, ई हमारा कितना आ गया है, क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर,
सो फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू हो गया क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सो दिस रिजल्ट इज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स. सो वी कैन से दैट हियर वी हैव यूज्ड गॉसेस लॉ एंड यूजिंग गॉस लॉ वी हैव कैलकुलेटेड कूलम्ब्स लॉ. ठीक है. सो आई थिंक इतना तक आपको समझ में आ गया होगा. ओके थैंक यू वेरी मच.